जय श्री राम दोस्तों। राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता। अक्सर ये देखा गया कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कि शायद एक भिखारी था, रोजाना एक रेस्टोरेंट में घुसता, भीड़ का लाभ उठा करके चुपचाप खाना खा के बिना बिल चुकाए वहां से निकल जाता। ऐसा वो अक्सर रोजाना करता था। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो एक अन्य रोज आने वाले ग्राहक को उस पर कुछ शक सा हुआ। तब उस ग्राहक ने जाकर के काउंटर पे रेस्टोरेंट के मालिक को सारी बात बताई और कहा कि भाई, मैंने इसे पहले भी ऐसा करते हुए देखा है और आज मुझसे रहा नहीं गया, तो सोचा आपको सतर्क कर दूं, सावधान कर दूं, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सारी बात बताऊं। आप कहें तो आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ कर दिखाऊं। उसकी बात सुनकर के रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया, बोला, भाई नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और इसे कृपया करके रोकिएगा मत। मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूं। आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं, आपसे पहले भी कई अन्य ग्राहकों ने इसके विषय में मुझे बताया है, किंतु मैंने इस व्यक्ति को हमेशा नज़रअंदाज किया है। ना मैंने कभी इसको रोका, ना टोका, ना ही कभी इसका अपमान करने की कोशिश की, और मैंने अपने पूरे स्टाफ को भी ये हिदायत दे रखी है कि कभी भी इसको रोका टोका ना जाओ। रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुन करके वो शिकायत करता बहुत भौचक्का रह गया, बड़ा अचरज में था। इसी बीच जब ये बातचीत चल रही थी तो वो भिखारी जो था उसने अपना खाना निपटाया, इधर उधर देखा और फिर चुपके से वहां से निकल लिया। वह शिकायतकर्ता व्यक्ति बोला, देखा भाई आपने, मैंने कहा था ना ये ऐसे ही करेगा, किंतु भाई मुझे बड़ी उत्सुकता है कि आप आखिर इसको ऐसे ही कैसे जाने देते हो, मुझे बताओ ना आखिर कहानी क्या है। तब रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि भाई, दरअसल ये भिखारी मेरे रेस्टोरेंट के सामने ही बैठता है और रोज भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ जल्दी कर दो ताकि मैं अंदर जा सकूं और कुछ खा पी सकूं। तो भाई, मेरा ये पूर्ण विश्वास है, मेरी पूरी श्रद्धा है, मेरा ये मानना है कि मेरे काम में इतनी बरकत जो है, मेरा कारोबार इतना जो अच्छा चल रहा है और मेरे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की जो ये इतनी भीड़ होती है, ये उस भिखारी की प्रार्थनाओं का ही नतीजा है। और भाई, मेरा ये मानना भी है कि हम ये कभी ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। व्यक्ति को ये घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्या पता हम स्वयं किसी के भाग्य से खा रहे हों। दोस्तों, ये कहानी, ये वृत्तांत है तो बहुत छोटा, किंतु इससे शिक्षा बहुत बड़ी मिलती है, प्रेरणा बहुत बड़ी मिलती है। आशा करता हूँ आप सब भी कुछ प्रेरित हुए होंगे। धन्यवाद। राम आपका भला करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राम आपका भला करें। जय सिया राम।